Hello everyone, I'm Rahul and I'm gonna tell about the interjection in this video clip. I hope you watch this video until the end. Next word. क्या फल है? यानी कोई भी चीज आपको संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है, उस समय आप बहुत ज्यादा प्लीज्ड हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपके माउथ से जो शब्द निकलते वो निकलते क्या पार्टी था यार, फर्स्ट टाइम ऐसा पार्टी किया है मैंने। तो आह कब? जब कोई भी इंसान किसी भी चीज से प्लीज्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में आह वर्ड का यूज करते हैं। ओह कब यूज करते हैं? ओह का यूज करते हैं जब हम सैड फीलिंग करते हैं, यानी जब हम सैड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ना, ना, एन ए एच, ना। ना कब यूज करते हैं? जब हम किसी भी चीज को निगेटिव रिप्लाई करते हैं, मीन्स निगेटिव रिप्लाई के लिए, निगेटिव रिप्लाई के लिए, यानी जहां हमें नो या नॉट वर्ड का यूज करना है वहां पे हम क्या करेंगे? ना वर्ड यूज करेंगे। ना या हम यस की जगह पर करते हैं। अगर हम पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिप्लाई के लिए यस की जगह पर हम या वर्ड यूज करते हैं। या पॉजिटिव रिप्लाई, नेक्स्ट वर्ड है हुरे। हुरे, हुरे तब यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, खुशी का इंजॉय करते हैं। जैसे मैंने मैच जीत लिया तो बोलते हैं हिप हिप हुर्रे। तो हिप हिप हुर्रे एक क्या, जब जीतेंगे तब ना मनाएंगे, हारने वाला थोड़ा ना हिप हिप हुर्रे करता है, जीतने वाला करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश होता है क्योंकि उन्होंने मैच को क्या किया, जीत लिया। तो हुर्रे कब यूज करना है? जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, जॉली मूड में हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, मैच को जीत लिया है। तो जब हुर्रे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे हुर्रे? जब क्या होगा, हम हैप्पी मूड में रहेंगे और हमने क्या किया है, कोई भी चीज पर विक्ट्री हासिल किया, जब विक्ट्री हासिल किया है और उसकी जीत को मनाने के लिए हम क्या करते हैं, हिप हिप हुर्रे बोलते। हुर्रे का यूज करते हैं इंजॉय, विक्ट्री। विक्ट्री को इंजॉय करने के लिए, जीत की खुशी को मनाने के लिए हम क्या करते हैं, हुर्रे वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है फाई फाई। बगल से अगर कोई पीग गुजर जाए बोलते फाई फाई, इट इज टू डर्टी, छी 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 इतनी गंदी है। तो ये छी छी यानी फाई फाई, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फाई फाई। वाई फाई मत बोल देना, हाई फाई मत बोलना, ये फाई फाई है। मतलब आप बोलते हैं राम रे राम, इतना गंदा है, तो वो क्या हो गया, फाई फाई हो गया, छी छी बोलते हैं, यानी डिसलाइक आप कर रहे हैं उसको। तो जहां भी डिसलाइक हो, आप उसको हेट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलना है, फाई फाई। कोई नली में गिर गया और आप क्या, आपके बगल में आकर के वो बिना फ्रेश हुए बगैर बैठ गया तो बोलते छी 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 मेरे बगल में मत बैठो यार, तुम इतना डट्टी हो क्या, ऐसे ही बोलते हैं ना, भागो यहाँ से, इतना बेशर्म हो गया है, पैर भी नहीं साफ किया अच्छा से। तो वहाँ पे क्या, आप उससे क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, डिसलाइक उसको कर रहे हैं। वही फ्रेश होकर के आ गया तो हाँ बैठो यार बैठो, कोई बात नहीं, लेट्स ऑल बैठ जाओ। तो जहां पर क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा, डिसलाइक करेंगे और क्या उससे क्या करेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, यानी
हम क्या करेंगे, फाइव फाइव वर्ड का यूज कर लेंगे उस कंडीशन में, नफरत यानी बोल सकते हैं। तो फाइव फाइव हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या करना होगा, शोइंग डिसलाइक और कंटेम्प्ट। जहां पे नफरत होगा, जैसे मान लो कि बिल्ली पॉटी कर दी, आप जाते हैं तो नजर पड़ जाती, तो बोलते फाइव फाइव छी 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 राम राम राम, तो वहां पे फाइव फाइव बोलेंगे, राम राम और छी छी के हटा करके क्या वर्ड बोलना है, फाइव फाइव बोलना है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बाय, बाय बाय। तो बाय कब यूज करते हैं, जब हम किसी को फेयरवेल दे रहे होते, विदाई दे रहे होते हैं, अलग हो रहे होते हैं, जुदा हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या बाय बोलते हैं। तो बाय कब, जब हम क्या करते हैं फेयरवेल देते हैं। बाय, सी यू नेवर। तो ये था आज की वीडियो, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें।